आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है असिंक्रोनस काउंटर विथ मोड नंबर। तो काउंटर क्या होते हैं? दे यूज टू डू सम काउंटिंग। तो ये काउंटर होंगे वो एक डिजिटल कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, और उस काउंटर से यदि हम रियल लाइफ में बात करें तो वी आर यूजिंग डिजिटल क्लॉक अलार्म दैट यूज टू वेक अप इन द मॉर्निंग। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ काउंटर। इट इज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। ओके, तो काउंटर जो होते हैं वो डिजिटल लॉजिक सर्किट में जो काउंटर हम यूज कर रहे हैं वो दो तरह के हैं। वन इज असिंक्रोनस, अनदर इज सिंक्रोनस। तो अब ये कितना काउंट करेगा, कैसे किस सीक्वेंस में काउंट करेगा और कितनी बिट्स यूज करेगा, क्लॉक पल्स कैसे देनी है, अकॉर्डिंगली विल क्लासिफाइड। यदि हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो असिंक्रोनस काउंटर में वी आर नॉट यूजिंग यूनिवर्सल क्लॉक। इसमें क्या होता है कि हम जो पहला फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं उस फ्लिप फ्लॉप में तो हम मेन क्लॉक अप्लाई करते हैं, और सक्सीडिंग फ्लिप फ्लॉप्स में हम प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को क्लॉक की तरह यूज करते हैं, और चेंज ऑफ द स्टेट ट्रांजिशन होगा एक रिपलिंग इफेक्ट से। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ रिपल काउंटर। कहने का मतलब है कि इफ यू सपोज आप 3 बिट का कोई काउंटर बना रहे हैं तो 3 मेमोरी एलिमेंट 3 फ्लिप फ्लॉप की जरूरत होगी। जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होगा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट करेगा उसमें आप क्लॉक यूज करेंगे, उसमें जब ट्रांजिशन होगा तो उस आउटपुट को हम यूज करेंगे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक। So as all the flip-flops are not changing their state simultaneously, hence it is called asynchronous counter. Just see, look at to this diagram. और इसमें mainly asynchronous counter बनाने में हमें toggle state को हम ज्यादा use करते हैं। जैसे आप इसमें देखें, हमने 4 bit का counter लिया है और चारों flip-flop चेक किए, right? तो पहला जो flip-flop है जो Q0, Q0 मतलब least significant bit, Q1 next bit, Q2 further next bit and Q3 is the most significant bit. आप इसमें देखिए, हमने J और K इनको कंटिन्यूसली हाई मतलब 1-1 कॉम्बिनेशन यूज किया, दैट इज टॉगलिंग। आपको पता है कि जब हम फ्लिप फ्लॉप J K को यूज करते हो 1-1 देते हैं तो ये क्या करता है, स्टोर्ड वैल्यू को प्रीवियस स्टेट को कॉम्प्लीमेंट कर देता है। क्लॉक कहाँ दी है, द वेरी फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज गेटिंग द क्लॉक। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो क्लॉक है इट इज नथिंग बट क्यू जो आउटपुट है प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप का वो यूज किया। सो नाउ द स्टेट ट्रांजिशन विल ऑकर इन द सेकंड फ्लिप फ्लॉप, तो रिपल कर रहा। फिर आपका जब सेकंड फ्लिप फ्लॉप में कोई चेंज होगा तो हम उस आउटपुट को उस ट्रांजिशन को यूज कर रहे हैं नेक्स्ट क्लॉक में, तो इफेक्ट इज रिपलिंग। ओके, दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस काउंटर, नॉट फ्लिप फ्लॉप, अनदर काउंटर सिंक्रोनस काउंटर, गिविन द सेम क्लॉक टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स। असिंक्रोनस में यूजिंग डिफरेंट क्लॉक पल्स, और सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ स्टेट चेंज नहीं कर रहे थे, और जो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं उनमें ऑल द फ्लिप फ्लॉप आर चेंजिंग द स्टेट एट द सेम टाइम। सो वी कैन कम टू नो कि असिंक्रोनस काउंटर थोड़ा स्लो होगा जबकि सिंक्रोनस काउंटर जो होगा वो फास्ट होगा। सी द एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस काउंटर। इसमें हमने फिर से जेके फ्लिप फ्लॉप यूज किए हैं, 4 bit का काउंटर है तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। इसका सर्किट हमें जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, अपार्ट फ्रॉम द फ्लिप फ्लॉप वी आर यूजिंग सर्टेन लॉजिक गेट्स ऑल्सो टू डिजाइन इट, बट द क्लॉक इज कॉमन टू ऑल द फ्लिप फ्लॉप। एज ऑल द फ्लिप फ्लॉप आर चेंजिंग देयर स्टेट एट द सेम टाइम, हेंस इट इज कॉल्ड सिंक्रोनस काउंटर। यदि हम दोनों के डिजाइन में फर्क देखें सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में, असिंक्रोनस में लॉजिक गेट्स हमें कम लग रहे हैं और डिजाइन सिंपल है, जबकि सिंक्रोनस काउंटर में वी नीड टू फाइंड आउट की हाउ टू कनेक्ट द लॉजिक गेट, हाउ मेनी गेट्स आर रिक्वायर्ड, मतलब व्हाट कॉम्बिनेशन सर्किट नीड टू बी डिजाइन। एक जो काउंटर होता है सिंक्रोनस काउंटर उसको हम कहते हैं मोड 2, मोड 4, मोड 7, वी कैन हैव एन नंबर ऑफ स्टेट्स। तो यदि कोई काउंटर है और वो काउंट कर रहा है, सपोज मोड एन काउंटर है, आई एम सेइंग इट इज मोड एन, सो व्हाट दिस एन मींस, इसका मतलब है कि उस फ्लिप फ्लॉप की एन डिफरेंट स्टेट है। सो इफ विल राइट मोड 4 तो उसकी कितनी स्टेट है, 4 स्टेट है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट कि इतनी स्टेट है तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगने, तो आप लोगे 4 is 2 to the power 2, means we need 2 flip-flop to design a mode 4 counter. Mode 8 होगा तो 8 different state होंगे, 8 different state है मतलब we need, for 8 state we need 3 flip-flop to design that this counter. और इसमें जो होता है asynchronous में हमारा एक increasing या decreasing ही sequence होगा, हम कोई भी state random state नहीं ले सकते, but हाँ if you want to count from 0 to 12 We have 13 स्टेट ओनली, तो इस काउंटर को आप क्या कहोगे, असिंक्रोनस मोड 13, बिकॉज वी आर हैविंग 13 स्टेट। बट टू डिजाइन दिस 13 स्टेट हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड, विच फॉर्मूला वी विल यूज, विल यूज अ फॉर्मूला 2 to the power n-1 less than m less than equal to 2 to the power n।
राइट तो आप यदि 2 टू द पावर 4 मीन्स इट इज 16 राइट और ये कितना हो जाएगा 8 राइट कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे 13 स्टेट चाहिए मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे तो आपकी ये बात जरूर है कि वी आउट ऑफ 16 वी आर यूजिंग ओनली 13 स्टेट्स सो वी कैन डिजाइन एनी मोड 7 मोड 5 इन सच वे एंड फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्स वी यूज दिस फॉर्मूला राइट सो दो डिफरेंट तरह के काउंटर हम स्टडी करने वाले हैं असिंक्रोनस और सिंक्रोनस यदि हम दोनों के डिजाइन पे फर्क देखें या दोनों में क्या फर्क है तो आप कह सकते हैं कि असिंक्रोनस काउंटर में केवल फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ट्रांजिट करता है उसमें बस हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे और सब्सिक्वेंट या सक्सीडिंग फ्लिप फ्लॉप में प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की स्टेट के आउटपुट के थ्रू हम क्लॉक देंगे जबकि सिंक्रोनस काउंटर में यूनिवर्सल क्लॉक है जिसको हम सारे फ्लिप फ्लॉप में एक साथ देंगे तो सिंक्रोनस काउंटर के सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ स्टेट चेंज करते हैं बिकॉज क्लॉक ट्रिगर्स टू इट और असिंक्रोनस में अलग अलग टाइम पे स्टेट चेंज होगी क्योंकि अब अंडरस्टूड है कि यदि सिंक्रोनस काउंटर जो होगा उसका ऑपरेशन फास्ट होगा और असिंक्रोनस काउंटर स्लो होगा सिंक्रोनस काउंटर में चूंकि सारे फ्लिप फ्लॉप एक साथ स्टेट चेंज कर रहे हैं तो देयर विल बी नो डिकोडिंग एरर असिंक्रोनस काउंटर में इट मे प्रोड्यूस डिकोडिंग एरर देन सिंक्रोनस काउंटर को हम पैरेलल काउंटर भी कहते हैं और असिंक्रोनस काउंटर को हम सीरियल और रिपल काउंटर भी कहते हैं डिजाइनिंग की यदि हम बात करें तो सिंक्रोनस काउंटर इज वेरी इजी टू डिजाइन असिंक्रोनस काउंटर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इसमें हमें लॉजिक सर्किट लॉजिक गेट्स या कॉम्बिनेशन सर्किट कैसे लगाना है वो देखना होता है फिर सिंक्रोनस काउंटर जो होते हैं उसमें यू कैन प्रोड्यूस एनी डिजायर्ड काउंट सीक्वेंस राइट लेकिन असिंक्रोनस काउंटर जो होता है वो या तो एक फिक्स्ड काउंट सीक्वेंस है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर तो असिंक्रोनस काउंटर होगा असिंक्रोनस अप काउंटर और डाउन काउंटर सिंक्रोनस काउंटर के कुछ और ऐसी यूनिट में हम आगे पढ़ेंगे जैसे रिंग काउंटर है जॉनसन काउंटर से दे आर बेसिकली सिंक्रोनस काउंटर और असिंक्रोनस में हम पढ़ेंगे रिपल अप काउंटर टू बिट अप काउंटर टू बिट डाउन काउंटर्स इन दैट वे प्रोपेगेशन डिले यदि हम देखें तो चूंकि सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनस काउंटर में एक साथ कॉमन क्लॉक से ड्रिवन है तो प्रोपेगेशन डिले कम होगा और असिंक्रोनस काउंटर में क्या होगा जितनी स्टेजेस होंगे जितने फ्लिप फ्लॉप होंगे सपोज एन फ्लिप फ्लॉप है और प्रोपेगेशन डिले एक फ्लिप फ्लॉप का टाइम टेकन इन प्रोपेगेशन डिले इज टी सो इफ देयर विल बी एन फ्लिप फ्लॉप टोटल प्रोपेगेशन डिले विल इंक्रीज सो देयर विल बी मोर प्रोपेगेशन डिले इन असिंक्रोनस काउंटर दीज आर द सर्टेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस काउंटर नाउ विल प्रोसीड विद द डिजाइनिंग हाउ दीज फ्लिप फ्लॉप्स आर डिजाइन